मेरे प्यारे दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ, कैची गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुकटुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। ऊंचाई पर एक बार टुकटुक और अरस्तु ने कागज में लोटो खेलने का फैसला किया। देखो तो टुकटुक, मैना ने पार्क शब्द बनाया है, इसका मतलब मैं फिर से जीत गया। कैसे फिर से? नहीं नहीं आरी, इसे नहीं गिना जाएगा, ऐसा शब्द है ही नहीं। हाँ तुम गलत हो टुकटुक, पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पेड़ जहाँ चाहे वही नहीं उगते, बल्कि एक योजना से उन्हें उगाया जाता है। कैसी योजना? पेड़ों के साथ? नहीं नहीं टुकटुक, पेड़ों के साथ नहीं, बल्कि जैसे कि हमारे साथ, क्योंकि पेड़ एक गोल, चौकोर या दिल के आकार में भी विकसित किए जा सकते हैं, और ये बहुत ही कागजी है। दिल के आकार में ये तो कागजी है। ये बताना होगा कि कुछ दूर पर एक बड़ा कागजी मैदान था, वहीं मित्रों ने अपने पार्क को बनाने का निर्णय लिया। टुकटुक, हमारे पास एक अद्भुत पार्क बन रहा है और वो एक दिल के आकार की तरह दिखेगा। टुकटुक ने चारों ओर देखा पर कोई दिल नहीं दिखाई दिया उसे। अजीब बात है आरी, पर रूप में ये एक पेड़ जैसा दिखता है, सही कहा जाए तो कई पेड़ों जैसा। हाँ मेरे मित्र, पार्क एक दिल जैसा दिखेगा यदि तुम उसे ऊंचाई से देखोगे तो, समझे? अच्छा तो ये बात है, मैंने फौरन इस बारे में क्यों नहीं सोचा। और दोस्तों ने पेड़ पौधे लगाना जारी रखा, क्योंकि वे जितनी जल्दी हो सके ये देखना चाहते थे। लो सब हो गया टुक-टुक, पार्क तैयार है। हुर्रे, अभी हम देखेंगे ऊपर से ये पार्क कैसा दिखता है। पर वहीं अचानक कठफोड़वे के समझ में आया कि आरी पार्क को बहुत ऊंचे आकाश से नहीं देख सकता, क्योंकि वो पक्षी नहीं है और वो बिल्कुल उड़ना नहीं जानता। आरी, तुम पक्का उड़ना नहीं जानते हो? नहीं, मैंने तो कभी कोशिश भी नहीं की है। तो चलो कोशिश करें, ये बहुत आसान है आरी। और टुकटुक ने अरस्तु को उड़ना सिखाने का काम शुरू कर दिया। पंखों को ऐसे करो, हाँ बहुत अच्छा, हिलाने की जरूरत है। टुकटुक, पर मुझे तो कोई पंख नहीं है। हाँ तो जो भी तुम्हारे पास है उसको पंखों की तरह हिलाओ। अरस्तु कूदा और उसने अपने हाथों और पैरों को हिलाया। टुकटुक, ये कितना अजीब है, मैं उड़ रहा हूँ। अच्छा है कागज का बारासिंगा होना और उड़ना। तो अब प्लान बी पर आते हैं। और दोनों मित्र प्लान बी पर आ गए। आरी, ये भाप है जो तुम्हें भाप लेने में मदद करेगा। अरे अरे अरे, अरे टुकटुक, ये तो बहुत गर्म है। आरी, अब तुम तैयार हो? चलो हम फिर से कोशिश करते हैं। नहीं टुकटुक नहीं, चलो एक काम करते हैं, किसी दूसरे प्लान पर आ जाते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो आरी, चलो फिर प्लान सी पर काम करते हैं। पर जल्दी पता चला कि प्लान सी और दूसरे प्लान्स भी कोई काम के नहीं हैं। आरी, मुझे लगता है हमें नए प्लान की जरूरत है। है बेशक, हमें जरूरत है सिर्फ एक प्लान की नहीं, हमें प्लेन यानी हवाई जहाज की जरूरत है। उर्रे, हवाई जहाज, वाह क्या कागजी है, कागजी दोस्त। एक कागज के पन्ने को लेकर आधे में मोड़े और कोनों को केंद्र की ओर मोड़े। अब ऊपरी भाग को रखकर और कोनों में फिर से मोड़े, कागज को आधे में मोड़े और पंख के समान मोड़े। आपका हवाई जहाज तैयार है। अच्छा कागजी है, अब हम ऊंचे आकाश से अपने पार्क को देख सकेंगे।
हाँ, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी देख सकूंगा टुक टुक। अरे वाह, हवाई जहाज, मजा आ गया। बारह सिंघा अरस्तु और कठफोड़वा टुक टुक ने उड़ने का आनंद लिया। तो इस प्रकार से ये कहानी भी बहुत ही कागजी समाप्त हो गई। ये पता चला कि उड़ तो कोई भी सकता है जिनके पास कल्पना हो, और इसके लिए पक्षी होना कोई जरूरी नहीं है। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। घर की छत के नीचे। एक दिन वो कागजी सुबह, उसी समय जब खास तौर पर अरस्तु मीठी नींद सो रहा होता है, उसने अच्छा सा सपना देखा। पर अरस्तु का सुंदर सपना उस रोचक मोड़ पर टूट जाता है एक भयानक कागज को चिड़चिड़ाने वाली आवाज से। लगता है किसी से सलाह लेनी होगी, तो टुक टुक से लेते हैं, अरस्तु सोचता है और टुक टुक को जगाने जाता है। टुक टुक, उठो, वहां तो कागज को चिड़चिड़ाने वाली आवाज। अरे, हमें पता करना होगा कि कौन ये कर रहा है और क्यों ऐसा कर रहा है। और दोनों दोस्त खोजने चल दिए। तुम क्या सोचते हो आरी, वो बड़ा होगा? हाँ, हो सकता है। और दांतों वाला? लगता तो यही है। ऐसे नुकीले नाखूनों वाला? ये बात तो पक्की है, हम पहुंच गए हैं। मित्रों ने बड़ी सावधानी से झाड़ियों को हटाया और देखा कि छोटा सा बिना तेज दांतों वाला और सबसे मुख्य बिना नाखूनों वाला ये एक घोंघा है। बिना कवच वाले आदरणीय घोंघा जी, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, पर ये हमारा बागीचा है। उत्तर देने की जगह बिन बुलाए मेहमान ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मेहमान बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसे बिना कवच का घोंघा कहा गया, पर सही में वो घोंघा था। वो अचानक से अपने कवच से बाहर निकला था। जब उसने अपने कवच में वापस आने की कोशिश की, तो पता चला कि वो अपना कवची रूप घर खो चुका है और अब ऐसे रूप में वो अपने मित्रों के सामने नहीं जा सकता है। उसका दुख कम कर सकती थी तो कागज की गोभी की पत्तियाँ। अरे, यहाँ कमी है पत्तियों के पूरे गांठ की। मेरे मित्र, मुझे लगता है कि हमें कुछ और कागजी सोचना होगा। यहाँ किस बात पर चर्चा करनी आ रही? हमें उसे, उन्हें, उन सबको रोकना होगा। और दोस्तों ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि कैसे वो अपनी फसल को बचा सकें और कमजोर घोंघे को दुख न पहुँचाए, और योजना तैयार हो गई। कागजी प्लान बन गया। लो, हमारा काम हो गया और घोंघा भी संतुष्ट और गोभी भी सुरक्षित। एक बात मेरी मान लो टुक टुक, ये दुनिया का सबसे तेज घोंघा है। मित्रों की योजना कारगर नहीं रही, कागजी सोचने का समय आ गया था। हालांकि इस बार अरस्तु के दिमाग में कोई ढंग के कागजी विचार नहीं आए। गाजर तक पहुंच गया। 3000 कागज, मैं अपने घर में हूँ या किसी और के, कुछ समझ में नहीं आता। क्या कहा तुमने टुक टुक? तुम अपने खुद के ही घर में हो। मुझे मालूम है कि हमें क्या करना है। जब हमारे मित्र तैयार थे, उस समय घोंघे ने गोभी और गाजर खाई और कागज के सलाद की पत्ती खाना शुरू ही की थी। आदरणीय घोंघा जी, हमारे पास आपके लिए उपहार है, ये लीजिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। टुक टुक और आरी ने अपना शैल कवच खोने वाले घोंघे के लिए खुद घर बनाया। कागजी दोस्त।
कागज पर रेखा चित्र बनाओ और अतिरिक्त कागज को काट दो। अब चित्र में खिड़की और दरवाजा पेंसिल से बनाओ। जहाँ लकीर है वहाँ कागज को मोड़ो और गोंद से चिपका दो। आपका घोंघे के लिए घर तैयार है। टुक टुक और आरी अपने पसंद के कागज के काम में जुट गए। इतने समय में उन्होंने बहुत कुछ बना लिया था। तो इस प्रकार से इस कागज की चिड़चिड़ाने वाली कहानी का अंत सुखद रहा। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। दोपहर में पिकनिक। एक दिन दोनों दोस्त दूसरे कागजी दिनों की तरह घर पर दोपहर का खाना खा रहे थे। हर दिन हम घर में दोपहर का खाना खाते हैं। बेशक टुक टुक, लो एक और कागजी बिस्किट ले लो। अरे खा लो, अच्छा स्वाद है। पर आरी, हर दिन दोपहर का खाना घर पर खाना बहुत उबाऊ हो जाता है। तो तुम क्या कहते हो टुक टुक, उदाहरण के लिए हम पिकनिक मनाने जाएं? ताजा कागजी हवा में, क्या कहते हो? हुर्रे, क्या कागजी आइडिया है। पर ये पिकनिक होता क्या है? पिकनिक का मतलब प्रकृति में आराम और सैर करना। अपने साथ मेज और भोजन लेके पिकनिक पर जाते हैं ताकि खुली हवा में खूबसूरत जगह पर बैठकर खाना खा सकें। समझे? हुर्रे, चलो भागकर कागजी झील के पास खाना खाते हैं। रुको टुक टुक, अभी मुझे भूख नहीं लगी है और मैं कहीं भी भागकर नहीं जाना चाहता। अभी मूड नहीं है। ठीक है, तब तो मैं अकेला ही पिकनिक पर जाऊंगा। लेकिन अकेले कोई पिकनिक पर नहीं जाता। पिकनिक हमेशा दोस्तों के साथ जाते हैं। हम लोग कल पिकनिक पर चलेंगे, ठीक है टुक टुक? कल जाना है। कल सुबह मैं एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए उड़कर जा रहा हूँ। मैंने दांत के डॉक्टर से पहले से समय ले रखा है ताकि वो मेरी कमजोर चोंच का इलाज कर सके। चलो दोपहर के खाने के बाद तालाब के पास मिलते हैं। दोपहर के खाने के बाद दोपहर का खाना खाना, ये कैसे हो सकता है टुक टुक? चलो ठीक है, दोपहर के खाने के समय मिलते हैं। बिल्कुल कागजी विचार। अगले दिन सुबह से टुक टुक ने काम के लिए उड़ान भरी और बारासिंगा अरस्तु इंतजार करने लगा कि कब दोपहर के भोजन का समय होगा। वो बैठा हुआ विभिन्न रोचक बातों के बारे में सोच रहा था। कुछ समय बाद अरस्तु ने देखा कि वो केवल खाने के बारे में सोच रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि दोपहर के खाने का समय हो गया है और कागजी झील की ओर वो जल्दी में निकल पड़ा। टुक टुक कहाँ है? क्या वो हमारे पिकनिक के बारे में भूल गया? अरस्तु दोस्त के बिना दोपहर के खाने को शुरू नहीं कर सकता था क्योंकि वो पिकनिक पर एक साथ जाने पर सहमत हुए थे। इसीलिए वो इंतजार करता रहा करता रहा। आखिर में अरस्तु और इंतजार नहीं कर सका और टुक टुक को खोजने चला गया। मुझे टुक टुक को खोजना ही चाहिए। अरस्तु अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो निकला टुक टुक उड़कर वहाँ आ गया। टुक टुक को दांत के डॉक्टर के यहाँ देरी हो गई क्योंकि नई चोंच को ठीक से चिपकने तक टुक टुक को इंतजार करना पड़ा। अरे मेरा दोस्त अरस्तु कहाँ है? मुझे यकीन है कि दोपहर के भोजन का समय हो गया है। यहाँ मेज है, मतलब आरी यहाँ पिकनिक के लिए आया था। उसने क्यों मेरा इंतजार नहीं किया? मैंने टुक टुक को हर जगह ढूंढा। मैं यहाँ तक कि डॉक्टर के पास भी गया और मुझे वहाँ उसकी पुरानी चोंच भी मिली, लेकिन वो खुद मुझे नहीं मिला। समझ में नहीं आता कहाँ चला गया है वो। आरी, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। हम दोपहर के भोजन के समय कागज की झील के पास मिलने वाले थे ना, लेकिन तुम कहाँ थे टुक टुक? मैं? अरे मैं तो दोपहर के भोजन के वक्त कागजी झील के पास था, और कहाँ? अजीब बात है, हम दोनों दोपहर के खाने के समय झील के पास थे लेकिन क्यों नहीं मिले? ये कैसे हो सकता है? यहाँ कागजी सोचने की जरूरत है। मैं समझ गया, हम पिकनिक पर अलग अलग समय पर आए। मैं पहले आ गया और तुम बाद में आए, और इसका कारण ये है कि हमारे पास घड़ी नहीं थी। आई बात समझ में टुक टुक? बिल्कुल सही, अगर हमारे पास घड़ी होती तो हम बिल्कुल ठीक से जानते कि कब दोपहर के खाने का समय होता है। चलो उसे कागज से बनाते हैं। कागजी दोस्त। कागज का एक गोल चक्र काटेंगे और उस पर अंक लिखेंगे। बड़े और छोटे दो कांटे काटेंगे।
और इन सबको पिन या कील से इकट्ठा जोड़ देंगे। कागज की घड़ी तैयार है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये सही समय नहीं दिखाती। इन दोनों दोस्तों ने सबसे अच्छी जगह पर घड़ी टांग दी और उसके बाद से उन्हें ठीक से पता चलने लगा कि कागज के देश में वास्तव में कितना बजा है। तो इस तरह से ये कागजी कहानी भी खत्म हुई। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। दोस्त कीड़े। एक बार कागज लोक में भारी गर्मी में अरस्तु और टुक टुक ने ये देखा कि इस बार पेड़ों से बड़ी जल्दी पत्तियां झड़ना शुरू हो गई हैं। टुक टुक, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे पेड़ों में कुछ तो गड़बड़ है? क्या कहते हो? नहीं आरी, नहीं, हमारे पेड़ों में कोई गड़बड़ नहीं है। मैं समझ गया कि गड़बड़ कहाँ है। मालूम पड़ा कि ये कोई छोटा सा कीड़ा था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसका वैसे तो पत्तियाँ खाने का कोई इरादा नहीं था। वो तो पूरा का पूरा पेड़ खाना चाहता था, पर वो ऐसा करना नहीं जानता था क्योंकि वो अभी छोटा था। एक बात कहनी है कीड़ा जी, पेड़ हमारा घर है और अच्छे घर के लोग दूसरों का घर नहीं खाते हैं। हाँ, और अच्छे लोग अपना घर भी नहीं खाते हैं, समझे? तुम नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो नहीं बनना चाहते हो ना? और तब नन्हा कीड़ा बहुत परेशान हुआ। उसके सभी साथी बड़े हो गए थे और छाल खाने वाले कीड़े बन गए थे और केवल पेड़ ही खाते थे। यदि पेड़ खाना मना है तो फिर उसे क्या खाना चाहिए? ये कुछ कागजी नहीं लग रहा है। सुनो मेरे दोस्त, तुम्हें क्यों छाल खाने वाला कीड़ा ही बनना है? तुम कुछ और भी तो बन सकते हो ना? कीड़े को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, बस सोच समझकर काम करने की जरूरत है। अरस्तु और टुक टुक ने कीड़े को घोंघा बनने का प्लान बताया। कीड़े ने आह भरी, कीड़ा कुनमुनाया, पर नन्हा कीड़ा पीठ पर कोई बोझ नहीं ढोना चाहता था। अब दोनों दोस्त परेशान हो गए कि आखिर इसकी मदद कैसे करें। इसे और कौन सा सुझाव दें? क्यों ना ये मधुमक्खी बन जाए। मधुमक्खी बहुत ही उपयोगी है, क्यों? बहुत खूब आरी। नन्हे कीड़े, यदि तुम शहद खाओगे तो जल्द ही मधुमक्खी बन जाओगे। हाँ। नन्हे कीड़े ने जिंदगी में कभी भी शहद नहीं खाया था, इसीलिए उसने फौरन हाँ कर दी। क्यों टुक टुक, तुम्हें क्या लगता है, ये मधुमक्खी बनने के लिए तैयार है? आरी, इसका तो मुझे मालूम नहीं, पर मैं अब अपने आप को मधुमक्खी जैसा महसूस कर रहा हूँ। शहद। अच्छा, अब तुम्हें फूलों का पराग छिड़कना होगा। मेरे दोस्त, अब तुम चलो। अरे रे, ये तो मधुमक्खी भी नहीं बन सकता, अब क्या करें हम? आरी, मुझे लगता है अब हमें आराम करना चाहिए। लगता है मैंने सोच लिया, कीड़े बहुत उपयोगी होते हैं। वो जमीन को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। ये काम इसके लिए ठीक रहेगा। तब अरस्तु और टुक टुक ने कीड़े को केंचुए बनने की तरकीब बताई, पर पता चला कि कीड़े को तो अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए नन्हा कीड़ा केंचुआ भी नहीं बनना चाहता था। मतलब ये है कि तुम केंचुआ भी नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम अंधेरे से डरते हो। अब क्या करें, यहाँ कागजी सोचने की जरूरत है। यहाँ नन्हे कीड़े ने ये बात मान ली कि वो अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, पर उसे रोशनी बहुत पसंद है और यदि वो कुछ बनना चाहेगा तो सितारा बनना चाहेगा। जरूर, तुम एक सितारा ही बनोगे, तुम्हें केवल रोशनी की जरूरत है। कौन सी रोशनी आरी? हम इसके लिए लालटेन बनाएंगे। कागजी दोस्त। नन्हे कीड़े के लिए लालटेन। रंगीन कागज को लंबाई में बीच से मोड़ो,
अब मुड़ी जगह पर थोड़ी दूर से कागज की पट्टी जैसा काटो। कागज को खोलो और ट्यूब का आकार दो। कागज के पतले किनारों को गोंद से चिपका दो। अब इस लालटेन को पकड़ने का हैंडल भी कागज से काटकर उससे चिपका दो। लो, बन गया लालटेन। अरे, इसकी जिंदगी में और अधिक रोशनी भर गई। बिल्कुल सही टुकटुक, इसे अपनी जगह मिल गई। अब ये अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएगा। बारा सिंगा रस्तू और कठफोड़वा टुकटुक को कीड़ा यानी जुगनू की मदद कर बड़ी खुशी हुई। वो सचमुच में सितारा बन गया। कुछ सितारे केवल अपने लिए ही चमकते हैं, पर कुछ दूसरों को अपना रास्ता ढूंढने में मदद करने के लिए चमकते हैं, उनको जो उसकी तलाश कर रहे हैं। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुकटुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। कप्तान टुकटुक के कारनामे। एक बार दोस्तों ने कागजी झील में नाव से सैर करने की सोची। टुकटुक ने अपनी प्यारी रोचक समुद्री कथाएं नाम की किताब अपने साथ ली। समुद्र में भयानक तूफान था, लेकिन कप्तान ड्यूक डेक पर सख्त खड़ा था। वो क्षितिज की ओर देख रहा था और तेज हवा उसके नमकीन हुए बालों को लहरा रही थी। पता है आरी, मैं कप्तान ड्यूक की तरह ही बनना चाहता था। वो ऐसा है, वो वैसा है, सुपर कागजी है। और मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए, तो कप्तान टुकटुक घर की ओर चलें। अरस्तु ने नाव किनारे की ओर लेना शुरू किया, लेकिन उसी समय दोस्तों ने जोरदार झटका महसूस किया। अरे, अरे जरा सावधानी से आरी। लेकिन ये मैंने नहीं किया। आरी ने नाव को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, और जैसे नाव उसका कहना ही नहीं मान रही थी। अरे बाप रे, इन हजार कागज, ये तो तूफान है आरी, बहुत बड़ा तूफान। कैसा तूफान टुकटुक, हम दोनों तो झील में। कौन सी झील आरी? ये वही सचमुच का तूफान है। तो सुनो, अज्ञात शक्ति ने जहाज को ऊपर उठाया और लकड़ी की हल्की फल्ली की तरह घुमा दिया। दोनों दोस्त डर गए कि कहीं नाव न उलट जाए, पर कागजी झील अचानक फिर शांत हो गई। ओह, लगता है सब ठीक हो गया। नाव किनारे की ओर ले लेता हूँ, कहीं फिर से तूफान शुरू ना हो जाए। फिर से नाव हिचकोले खाने लगी। झील में फिर तूफान आ गया। चुप चुप किताब पढ़ते रहो, जब तुम पढ़ते हो तूफान शांत हो जाता है। देखो शांत हो रहा है। तूफान थम गया। नाविकों को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ। चुप चुप तुम और आगे पढ़ते जाओ। मालूम नहीं कैसे, पर ये काम कर रहा है। सचमुच कागजी काम कर रहा है ये। पर इसी समय काली भयानक गहरी लहरों के बीच से बड़े दांतों वाला डरावना मुंह दिखाई दिया। पानी से एक समुद्री राक्षस का एक बड़ा सा सिर दिखाई दिया। नमस्ते। आज मौसम बड़ा कागजी है ना? पर समुद्री राक्षस की मौसम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो कहानी आखिर तक सुनना चाहता था। हेलो राक्षस जी, लीजिए हम अपनी किताब आपके पास छोड़ देते हैं और आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा। पर पता चला कि ये राक्षस बिल्कुल अनपढ़ था, ये पढ़ नहीं सकता था। मैं उसे अकेले लड़ने की चुनौती देता हूँ, बिल्कुल कप्तान ड्यूक की तरह, और तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना। टुक टुक ने बहादुरी दिखाने की ठान ली, पर अरस्तु उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता था। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। टुक टुक रुको, लगता है मैंने तरकीब ढूंढ ली। हम चित्रों वाली किताब बनाएंगे और तब राक्षस को पता चल जाएगा कि कहानी कैसे खत्म हुई। पर आरी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं हीरो नहीं बन पाऊंगा। टुक टुक, हीरो वो नहीं जो दुश्मन को जीतता है, बल्कि हीरो वो होता है जो दोस्त को पाता है। राक्षस के लिए किताब। कागजी दोस्त। हाथ में कागज का एक पन्ना ले लो और किनारों से उसकी तह बनाते जाओ। थोड़ा सा काटो और वाह, देखो
आपकी कागज से बनी किताब तैयार है। अब इसमें केवल हर पन्ने पर चित्र बनाना ही बाकी है। टुकटुक ने किताब में चित्र बनाना शुरू कर। इस किताब में बहादुर कप्तान की सारी कहानियां समा गईं। लो हो गया, अब इसे मैं किताब दे देता हूँ। लो पकड़ो, इसमें सारी कहानियां हैं। अब ये इतना भयानक नहीं लग रहा, अब ये खुश हो गया। पर मुझे अब भयानक भूख लग रही है टुकटुक। और दोनों दोस्त घर की ओर चल पड़े। सब कारनामों के बाद दोनों दोस्तों को कुछ तो मिलना ही चाहिए था। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुकटुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। असली फूल। एक बार अरस्तु और टुकटुक ने कागज के जंगल में घूमने की सोची और वहाँ उन्होंने अनोखे फूलों को देखा। अरे मेरे प्यारे दोस्त टुकटुक, जरा देखो तो ये फूल बिल्कुल अलग है। ऐसे रंग तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे, है ना? सचमुच आरी, मेरे हिसाब से हमें इन्हें इकट्ठा करके इनके बारे में जानना चाहिए। दोनों दोस्तों ने फूलों को इकट्ठा किया और बड़ी सावधानी से उन्हें घर ले गए। लगता है टुक-टुक, हमने नए प्रकार के फूलों की खोज कर ली है। यहाँ तक कि फूलों की कई नई किस्में खोजी हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहा जाता है फूल से अनेका फूला कूस। चलो आरी, नई खोज पर कागज की अच्छी मीठी चाय पिए। ये बताना जरूरी है कि अरस्तु और टुक-टुक दोनों को कागज की चाय बड़ी अच्छी लगती थी, खासकर मीठी चाय। अब मीठी चाय की बात चली है तो मैं मना नहीं करूंगा। ओह टुक-टुक, देखो तो जरा, हमारी झाड़ू में फूल खिल गए हैं। पर उसी समय टुक-टुक ने इस बात पर ध्यान दिया कि उनके लाए हुए फूल कहीं गायब हो गए हैं। आरी दुखी मत होना मेरे दोस्त, पर जो फूल हम लाए थे वो कहीं चले गए हैं और मुझे लगता है कि वो गायब हो गए हैं। विश्वास ही नहीं होता, फूल कैसे अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए? अरे पर फूल तो चल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। यदि क्या अरे? यदि हमने एक बिल्कुल नए प्रकार के चलने वाले फूलों को खोजा है। फूलस्य चलस्य। हाँ, यहाँ कागजी में सोचनम की जरूरत है। यानी मैं कहना चाहता था कि कागजी सोचना पड़ेगा। पर अरस्तु को कुछ नहीं सोचा। तभी अचानक उसने अपने दोस्त टुक-टुक की आवाज सुनी। तुम बिल्कुल मत डरना, क्योंकि मैं अभी जोर से चीखूंगा। पूरे घर में, उनके सभी कमरों में, सभी गलियारों में और यहाँ तक कि अरस्तु और टुक-टुक के घर के दरवाजों पर भी फूल ही फूल थे। विश्वास नहीं होता, कहाँ से इतने सारे फूल आए? हमने तो इन्हें इकट्ठा भी नहीं किया था, है ना टुक-टुक? ऐसा ही है आरी, ये खुद ही यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। यहाँ अच्छे कागजी काम की जरूरत है। हाँ, यहाँ कागजी सोच की जरूरत है। हाँ, मिल गया। अच्छा बताओ टुक-टुक, ये तुम्हें किसकी याद दिलाता है? ये तो कतार है, पर फूलों को ऐसी लाइन बनाने की क्या जरूरत है? अरस्तु अपने साथी को फूलों की लाइन के पास ले गया और एक प्लेट में मीठी चाय डाल। फूलों को लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं, पर तितलियों को तो इसकी जरूरत है। तो क्या ये तितलियों ने किया है? बिल्कुल तितलियों ने, वो अभी यात्रा पर है। वो दूर गर्म देश की ओर जा रही है और उन्हें ताकत की जरूरत है, और इसीलिए वो तुम्हारी स्वादिष्ट मीठी चाय के आसपास इकट्ठी होने लगी। कागजी दोस्त। कागज से कैसे तितली बना सकते हैं? इसके लिए अलग अलग रंगों के कागज से दो चौकोर टुकड़े काटो, उन्हें तह करके मोड़ो। इसके बाद हर तह लगे कागज को धागे या स्टेपलर से जोड़ो। इस तरह से अब दोनों तह लगे कागज को एक साथ मिलाओ और तितली के पंखों की तरह आकार दो। लो, कागज की तितली तैयार है। आरी, लगता है कि हमने कोई भी नए फूल की खोज नहीं की है।
मेरे प्यारे दोस्त टुक टुक, हमने कई नई प्रकार की तितलियों को खोजा है। बिल्कुल सही, अब मैं उन सभी का नाम लाल चाय पीने वालों दोस्त रखूंगा और वो पीली चीनी खाने वाले किस यहाँ ये यहाँ तितली कुश नीले पंखों कुश यहाँ है। बारा सिंघा रस्तु और पटभुड़वा टुक टुक बहुत खुश थे कि एक लंबी उड़ान से पहले उन्होंने तितलियों की मदद की और जब तितलियों ने आसमान में उड़ान भरी तो दोनों दोस्त बहुत देर तक उन्हें देखते रहे। ये बहुत सुंदर दृश्य था क्योंकि तितलियाँ फूलों के समान दिखती हैं, ऐसे फूल जो उड़ भी सकते हैं। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। रानी के लिए फूलों का तोहफा। वसंत के एक नरम दिन हमारे दोस्तों को डाक से कागजी खत आया। खत मोम की मुहर से बंद किया गया था और उससे शहद की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी। ये देखो टुक टुक, हमें खत आया है। क्या खुशबू आ रही है इससे? शहद की खुशबू? अरे लगता है मैं जानता हूँ किसने भेजा है, फूल रानी ने। कहना जरूरी है कि फूल रानी सिर्फ रानी मधुमक्खी ही नहीं, ये अरस्तु और टुक टुक की पुरानी सहेली भी थी। फूल रानी लिखती है कि जल्द ही वो कागजी देश की यात्रा पर जा रही है और वो जरूर हमसे मिलने आएगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। उर्रे, आरी, क्या कागजी है। चलो रानी का स्वागत बड़े ठाट से करते हैं। चलो रानी के लिए उसके पसंद के फूल लगाएंगे। दोनों दोस्त दोपहर तक मेहनत करते रहे। उन्होंने गड्ढे खोदे और कागजी पिटूनिया के बीज बोए। हाँ वो थक जरूर गए लेकिन वो रानी मधुमक्खी को खुश करना चाहते थे जो उनको बहुत पसंद करती थी, दोस्तों को और पिटूनिया को भी। बड़ा कागजी काम किया है हमने टुक टुक। इंतजार करना है अब हमारे बाग में कागजी पिटूनिया के खिलने का। फिर हमारे दोस्त थके हुए लेकिन खुश होकर थोड़ा आराम करने और कागजी चाय पीने घर चले गए। हमारे दोस्त बैठ ही रहे थे तब काले भुखड़ प्यासे कौओं का झुंड उनके बाग में पहुंचा। कौओं ने फूलों के बीच चुगना शुरू किया। अरे ने ने ने, ये बिल्कुल कागजी नहीं, हट जा, हट जा यहाँ से। आदरणीय कौओं, आप कृपया करके हमारे बाग से चले जाइए, ये प्रार्थना है। हमारे दोस्तों की बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान दिए बिना कौवे बीज चुगते रहे। लगता है कि ये कौवे बाहर के थे और कागजी भाषा जानते नहीं थे। टुक टुक देखो, लगता है कि सब पक्षी भुखड़ बिल्लों से डरते हैं। क्या हम ऐसे बिल्ले की मदद लें, क्या कहते हो? अरे ये कागजी नहीं है, मैं खुद इस बिल्ले से डरता हूँ, चाहे वो चित्र में ही क्यों ना हो। चित्र से भी डरते हो तुम, ये तो अच्छा ख्याल है, बिल्कुल कागजी ख्याल है टुक टुक। दोस्तों ने कागज लिया और उस पर बड़े लाल बिल्ले का चित्र बनाया। बिल्ले को देखकर कौवे पेड़ों पर उड़ गए। टुक टुक अपना काम हो गया, अब हमारे पिटूनिया को किसी भी चीज से कोई डर नहीं, किसी भी चीज से। और हमारे दोनों दोस्त थके हुए पर खुशी से थोड़ा आराम करने और कागजी चाय पीने घर चले गए। अरे नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है, अरे देखो क्या हो रहा है। लगता है कौओं को हमारी योजना का पता चल गया, उनके समझ में आ गया कि हमारा बिल्ला नकली है क्योंकि असली बिल्ला घूमता फिरता है पर चित्र का बिल्ला घूमता फिरता नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे आरी? हमें कागजी सोचना चाहिए। टुक टुक, मैंने सोच लिया, हमारा बिल्ला हिलेगा घूमेगा, बहुत आसान है, जैसे एक कागज, अरे नहीं नहीं दो कागज। कागजी दोस्त, कॉपी की मदद से कार्टून कैसे बनाएं? कॉपी लेकर उसके पन्ने पर पंजा ऊपर उठाए हुए बिल्ले का चित्र बनाएं।
दूसरे पन्ने पर भी उसी बिल्ले का चित्र बनाए, पर दूसरा पंजा उठाए हुए। अब दूसरा ऊपर वाले पन्ने की नली बनाए। अगर पेंसिल से ऊपर नीचे तेजी से हिलाए तो ऐसे लगेगा जैसे बिल्ला अपने पैरों पर चल रहा है। लो, कार्टून तैयार है। हमारे दोस्तों ने बिल्ले का चित्र बनाया जो जिंदा बिल्ले जैसा चलता है। भुक्कड़ कौवे तुरंत पेड़ पर उड़ गए और पिटूनिया खिल गए, जो रानी मधुमक्खी फूल रानी सुंगना बहुत पसंद करती थी। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत कागजी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। रानी घर जाना चाहती है। गर्मियों के कागजी दिन के दोपहर में अरस्तु समाचार पढ़ रहा था और टुक टुक व्यायाम कर रहा था। मुझे लगता है कोई दस्तक दे रहा है। ये दस्तक मैं दे रहा हूँ, चोंच के लिए व्यायाम कर रहा हूँ। क्या तुम अपने पंखों के लिए कसरत नहीं कर सकते टुक टुक? पंखों के लिए अभी कोशिश करता हूँ। अब मैं सचमुच दरवाजे पर दस्तक सुन रहा हूँ। लगता है कोई मेहमान हमारे यहाँ आया है। असल में बात ये थी कि अरस्तु और टुक टुक की एक पुरानी दोस्त रानी थी, रानी मधुमक्खी मधु रानी। नमस्ते रानी मधु रानी, आपको देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप हमारे यहाँ आए। मधुरानी अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी वो बहुत परेशान थी। मधुरानी ने बताया कि वो लंबी यात्रा के बाद घर वापस नहीं जा सकती, उसे खुद के छत्ते में घुसने की अनुमति नहीं है। सुना टुक टुक, रानी मधुमक्खी अब अपने छत्ते में नहीं जा सकती है, क्या करें? हो सकता है कि घर पर किसी दुश्मन ने कब्जा कर लिया हो। तुम क्या कह रहे हो टुक टुक? दुश्मन मधुरानी के घर पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि छत्ते की रक्षा पहरेदार करते हैं। ये कहना जरूरी है कि रानी के राज्य में बहुत लोग थे, मधुमक्खी मंत्री, मधुमक्खी पहरेदार। मधुमक्खी पहरेदार छत्ते के द्वार की रक्षा करते थे, पर अब वही पहरेदार रानी को अंदर आने नहीं दे रहे थे। चलो हम फौरन वहाँ चलते हैं टुक टुक, और उन्हें समझाते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आओ चलें। रानी ने उनसे छत्ते के अंदर जाने का अनुरोध किया, पर पहरेदारों ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। माफ करो भले मानस, बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम दरवाजा खोल दो। तो सबसे पहली बात कि आपके सामने एक महिला खड़ी है, और दूसरी बात कि वो रानी है। रानी मधुरानी ने इस बात को स्वीकार किया कि यात्रा में जाने से पहले उसने पहरेदारों को सख्त आदेश दिए थे कि किसी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाजा न खोले। यहाँ कोई तो रहस्य है, चलो घर वापस चलते हैं और कागजी सोचते हैं। लगता है मैंने अनुमान लगा लिया है। मधुरानी, इस कागज के दर्पण में देखो। टुक टुक, तुम भी देखो, कोई गड़बड़ तो नहीं है? मुझे गड़बड़ का पता चल गया, रानी के पास ताज नहीं है। क्या तुमने उसे रास्ते में खो दिया मधुरानी? मधुरानी ने बताया कि ताज उसने घर में रख छोड़ा है ताकि वो उसे घुमा न दे। अच्छा, इसीलिए पहरेदार रानी को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ताज नहीं है। लेकिन हम मधुरानी की मदद कैसे कर सकते हैं? हम मधुरानी के लिए एक सुंदर सा बढ़िया ताज बनाएंगे। कागजी दोस्त। दोस्तों, रानी के लिए हम बनाएंगे एक नया सुंदर ताज। उसके लिए चौकोर पन्ना लो, ऊपरी और निचले कोनों को केंद्र की ओर मोड़ो। अब उसे पलट दो और निचले हिस्से को आधा मोड़ो और कागज के बीच तक कोनों को पहुंचा दो। अब बने त्रिकोण को बाहर खींचो, ऐसा ही बाकी चौकोर पन्नों से बनाओ और फिर सभी भागों को एक साथ जोड़ दो। लो, तैयार हो गया हमारा ताज। दोस्तों ने बनाया ताज और उसे पहनकर रानी चली गई, और अगले दिन उसकी ओर से खत आया। आरी आरी, क्या लिखा है उसने, जल्दी से बताओ ना।
अपने नए पत्र में मधुरानी ने दोस्तों को मदद के लिए धन्यवाद कहा। पहरेदार उसे तुरंत पहचान गए और दरवाजा खोल दिया। रानी इतनी खुश हुई कि उसने पहरेदारों को सजा नहीं दी बल्कि नए आदेश दिए कि रानी को चेहरे से पहचानना चाहिए न कि उसके ताज से। और पहरेदार ये बात नहीं भूलेंगे। मधुरानी ने दोस्तों से उसकी तस्वीर बनाने का अनुरोध किया। टुक टुक, क्या तुम तस्वीर बना सकते हो? मुझे नहीं पता आरी, मैंने कभी कोशिश नहीं की, पर मैं कोशिश करूँगा। चलो मैं भी कोशिश करता हूँ। हर किसी को रानी मधुरानी की तस्वीर बनाने का प्रयास करना चाहिए, जैसे मैं करूँगा। तो इस तरह से हमारी ये कागजी कहानी भी खत्म हुई। पर अभी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मधुरानी अभी तक इंतजार कर रही है कि दुनिया में उसकी सबसे सुंदर तस्वीर कौन बनाता है। हो सकता है कि शायद आप उसे बनाएं। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। पन्नी लैंड से अजनबी। एक सुहानी गर्मी की शाम दोनों दोस्त खाने की तैयारी कर रहे थे। हवा में भुनी कागज की मछली की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, कब तैयार होगी आरी? थोड़ा धैर्य रखो मेरे दोस्त, जल्दबाजी से कभी कुछ भी कागजी नहीं होता। तब तक तुम मेज सजा सकते हो। ये तो मैं अभी करता हूँ। शांति शांति शांति। अरे ये क्या है? कागजी भूकंप। लगता है वो वहाँ है। उड़ते हैं, मतलब भाग जाते हैं। कागजी भूकंप के समय ना ही उड़ना चाहिए ना ही दौड़ना। सबसे पहले सबसे सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए, ठीक है? टुक टुक ठहरो। अरे टुक टुक रुको तो। जल्द ही दोस्तों को विश्वास हो गया कि भयानक गर्जना कागजी भूकंप की नहीं थी। एक अज्ञात उड़ती हुई चीज उनके घर के पास वाले मैदान में आकर गिरी थी। सही कहा जाए तो उड़ती नहीं बल्कि उड़ गई। अरे ये तो उड़ंत अश्तरी है, मतलब अंतरिक्ष मानव। हुर्रे! मैं तुम्हारी जगह इतना खुश नहीं होता। कहीं ऐसा न हो कि ये कागज खाने वाले हों। कागज खाने वाले? हाँ कागज खाने वाले। ये वो जीव हैं जो कागज खाकर जीते हैं। टुक टुक अभी देर नहीं हुई है, बेहतर होगा कि हम घर लौट जाएं। अंतरिक्ष यान से एक परग्रही बाहर निकलता है और वो बताता है कि वो पन्नी लैंड नाम के ग्रह से आया है, जहाँ सब कुछ सिर्फ चमकदार पन्नी से बना है। लेकिन दुर्भाग्य से उसका अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और अब वो नहीं जानता कि उसका ये यान कैसे ठीक होगा। देखने में तो ऐसा नहीं लगता कि ये कागज खाने वाला है। तुम सही बोल रहे हो, इसे हमारी मदद की जरूरत है। मैं जानता हूँ कैसे मदद की जा सकती है। हमारे जादू की टेप की मदद से। मैं अभी आया। बन गया बिल्कुल नए जैसा। अंतरिक्ष यान की मरम्मत करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए जरूरत थी एक विशेष चांदी की चमकीली पन्नी की, जिससे उसे दूर पन्नी लैंड में बनाया गया था। कागज लोक में ऐसी पन्नी नहीं थी, क्योंकि यहाँ जैसा सब जानते हैं सब कुछ केवल कागज से बना हुआ था। आप थोड़े दिन हमारे यहाँ रहें, हो सकता है तब तक हम कुछ न कुछ सोच लें। तो क्या कहते हो आरी? हाँ बिल्कुल टुक टुक। आपको पसंद आया? ये भी कागजी है। हमारे यहाँ सब कुछ बहुत कागजी है। कागज का देश दूसरे ग्रह के मानव को सचमुच में बहुत पसंद आया, लेकिन उसे अब अपने दूर बसे पन्नी लैंड की याद आनी शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ उसका घर था और वो डर रहा था कि कभी भी वो वहाँ वापस नहीं जा पाएगा। आरी आरी, हमें अवश्य इसकी मदद करनी चाहिए, कुछ ना कुछ सोचना होगा। और अरस्तु ने सोचना शुरू कर दिया। और ये कहना होगा कि जब वो सोचता था तब वो हमेशा अपने डबल बास को बजाता था। दिमाग में कुछ कागजी सोच आए, इसीलिए हमें कुछ खाना चाहिए। मेरी थाली कहाँ है? कहाँ है थाली? अरे अच्छा याद दिलाया, थाली। कैसे मैंने तुरंत सही अनुमान नहीं लगाया, उड़ने वाली थाली। कागजी दोस्त, सबसे पहले दो कागज की थालियां लो
और उसमें केबिन के लिए एक छेद बनाओ। छेद बनाने के बाद इसमें कागज का आधा गिलास जोड़ो और उसे दूसरी ओर से टेप से जोड़ दो। अब इसमें एंटीना लगाओ और रंग लगा दो। आपकी उड़न तश्तरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार है। अगली सुबह नई कागज की उड़न तश्तरी घर के सामने खड़ी थी। अजनबी बहुत खुश था क्योंकि अब वो पन्नी लैंड ग्रह पर अपने घर के लिए उड़ान भर सकता है और वो अलविदा कह के चला गया। और तब से जब कागजी शाम को दोनों दोस्त सितारों को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है और धीमे से चांदी की पन्नी की बनी बांसुरी को बजा रहा है। इस तरह से कागज की दूर पन्नी लैंड ग्रह से आए मेहमान की एक कागजी कहानी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। फिर से छुट्टी। सुबह सुबह हमारे दोस्तों को कागज के अपने नरम बिस्तरों में लेटे रहना पसंद था। अभी सूरज भी पूरा नहीं निकला था पर इस दिन टुक टुक जल्दी उठ गया। हुर्रे, आज शुक्रवार है। टुक टुक ने ऐसा शोर मचाया कि अरस्तु को लगा मानो घर में आग लग गई हो। वो फौरन भागा। क्या जल रहा है? अरे कुछ जल नहीं रहा, आज शुक्रवार है, मेरा जन्मदिन। अरे हाँ प्यारे टुक टुक, मैं तो भूल ही गया था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन की तुमको बहुत बहुत बधाई। तुम्हारे लिए उपहार डिंग डॉन्ग। क्या डिंग डॉन्ग? ले लो तुम्हारा उपहार डिंग डॉन्ग। अरे वाह, मेरा प्यारा कागज का केक। अरे ये कौन है? ये भी उपहार है? ये था मुर्गा एडवर्ड। अपने पूरे जीवन में वो सुबह बांग देता रहा और उसकी बांग से हर नए दिन की शुरुआत होती थी। पर एक बार उसकी जैविक घड़ी खराब हो गई। मेरे दोस्त, ये बताओ कि जैविक घड़ी खराब होने का क्या मतलब होता है? कुछ समझ में नहीं आया। रात ही रात और दिन कहाँ है? मेरा जन्मदिन, उसे वापस लाओ। कहाँ है मेरा जन्मदिन? गुरुवार, शुक्रवार, हुर्रे, हुर्रे। कहाँ जल रहा है? क्या जल रहा है? अरे आरी, मुर्गे ने बांग देना बंद कर दिया और समय रुक गया। आज फिर से शुक्रवार है और मेरा फिर से जन्मदिन आ गया, हुर्रे। पर ऐसा नहीं हो सकता टुक टुक। डिंगांग। विश्वास करना बहुत कठिन था पर समय कागज की दुनिया में सचमुच रुक गया था। चलो फिर कुछ मजेदार हो जाए। मंगलवार शुक्रवार आ गया। पांचवां शुक्रवार लगातार। जन्मदिन का केक पहले की तरह अपनी जगह पर था, बस केवल दोस्तों की खुशियां थोड़ी कम हो गई थी। वो बोर हो गए थे। टुक टुक, मैं अब और इस केक को नहीं देख सकता, मैं बोर हो गया हूँ। मैं भी बोर हो गया हूँ आरी। एक काम करते हैं, मुर्गे को कहते हैं बांग दे और दिन बदल जाएगा। इससे कोई फायदा नहीं होगा मेरे दोस्त, इसकी जैविक घड़ी खराब हो गई है और अब नई सुबह इसके बांग देने से नहीं होगी। ये हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो अब क्या करें आरी? मिल गया आइडिया। हमें ऐसी नई घड़ी की जरूरत है जो कभी खराब ही ना हो। हमें सौर घड़ी की जरूरत है। समझ गए टुक टुक? कागजी दोस्त। एक कागज की प्लेट लो और उसके बीच में छोटा सा छेद करो। इस छेद में मिल्क शेक पीने की स्ट्रॉ लगा दो। अब प्लेट पर 1 से 12 तक अंक लिखो। 6
ठीक दोपहर को इस घड़ी को सूरज की रोशनी में ऐसे रखो ताकि स्ट्रॉ की परछाई सीधे अंक 12 पर पड़े। अब जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ेगा परछाई भी बदलती जाएगी। अब सूरज की गति के साथ स्ट्रॉ की परछाई वो समय दिखाएगी जो सचमुच की घड़ी बताती है। तो बन गई ना हमारी सौर्य घड़ी, है ना मजेदार? क्या फिर से जन्मदिन? अरे नहीं नहीं आरी, बहुत कागजी है, आज मेरा जन्मदिन नहीं है मेरे दोस्त। डिंगडांग। तो फिर चलो हम जश्न मनाते हैं। जन्मदिन नहीं, उसका जश्न बहुत कागजी हो गया। आरी, टुक टुक और मुर्गा एडवर्ड ने खूब मजे किए। और क्या, आगे और ढेर सारे त्योहार पूरे साल मनाने को बाकी थे, एकदम अलग और बिल्कुल नए। तो ऐसे कागज लोग की ये कहानी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। नया पड़ोसी। एक बार गर्मियों में एक दिन सुबह दोनों दोस्त कागज जैसे नरम पैनकेक के साथ चाय पी रहे थे, अचानक किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर आ जाओ। अपरिचित ने सावधानी से पैर पोछे और अंदर आ गया। ये था सिंह का बच्चा शेर सिंह। उसने बताया कि वो उनसे दोस्ती करने आया है क्योंकि वो उनका नया पड़ोसी है। वो कुछ ही दूर पर कागज गली में बने घर में रहने लगा है। आरी, हमारे घर में हमारा नया पड़ोसी आया है, कितना अच्छा है ना? हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई। अगले दिन टुक टुक ने कागज की गली की ओर उड़ान भरी। शेर सिंह को देखने की उसकी बड़ी इच्छा थी, पर वहाँ खिड़की में उसे सिंह के बच्चे की जगह अपरिचित धब्बेदार तेंदुआ दिखाई दिया। माफ कीजिएगा, कृपया आप ये बताएंगे कि सिंह का बच्चा शेर सिंह कहाँ है? आवाज सुनते ही तेंदुआ फौरन छुप गया। टुक टुक को इस बात ने इतना हैरान कर दिया कि वो इस बारे में अरस्तु को जल्दी से जल्दी बताने चला गया। आरी, मैं सिंह के बच्चे शेर सिंह के घर के पास था। मैंने उसका दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, पर मुझसे वहाँ कोई भी बात नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं हो सकता टुक टुक, जहाँ तक मुझे मालूम है सभी कागजी सिंह के बच्चों में शेर सिंह सबसे भला और शिष्ट है। हो सकता है वो घर पे ही ना हो। हो सकता है वो ना हो, लेकिन उसके घर में कोई दूसरा कागजी जानवर था। रुको, मैं अभी तुमको सब कुछ समझाता हूँ। और टुक टुक ने अरस्तु को तस्वीर दिखाई। अरस्तु ने ध्यान से देखा। तुम ठीक कह रहे हो, ये सिंह का बच्चा नहीं, ये सचमुच में तेंदुआ है। देखो कैसे इसके धब्बे हैं, तेंदुए के ही ऐसे धब्बे होते हैं। हाँ, पर वो कुछ कुछ हमारे शेर सिंह की तरह भी दिखता था। अब हो सकता है कि उसके यहाँ कोई रिश्तेदार आया हो। हाँ तो ठीक है, चलो उससे भी मिल लेते हैं। आओ चलो। और दोनों दोस्त शेर सिंह के घर उसके रिश्तेदार से मिलने चल पड़े। शेर सिंह के घर की खिड़की में दोनों दोस्तों को कोई तो दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो खिड़की के करीब आए तो वो छुप गया। मुझे शेर सिंह की चिंता हो रही है, हो सकता है उसे कुछ हो गया हो। चलो घर के अंदर घुसते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो हम घर चलते हैं और कुछ सोचते हैं। मुझे मालूम ही था टुक टुक, मैंने पहेली हल कर ली है। हल कर ली है तो बताओ ना क्या हल किया? शेर सिंह कह रहा था कि जैसे ही उसके घर में मरम्मत का काम खत्म हो जाएगा वो हमें अपने घर बुलाएगा। हमारा शेर सिंह सफाई बहुत पसंद करता है। वो घर की मरम्मत कर रहा है और छत को रंग लगा रहा है, इसीलिए उसके ऊपर रंगों के धब्बे हैं। इसका मतलब वो तेंदुआ नहीं था? बिल्कुल नहीं, वो तो हमारा शर्मिला रंगों के धब्बों से रंगा शेर सिंह था। वो रंग छत को रंगते समय उस पर टपक गए थे। शायद उसे हम पत्र लिखे कि हम उससे प्यार करते हैं, या फिर हम उसकी छत को रंग लगा दें। मुझे एक आइडिया आया है, हम उसे मरम्मत के लिए कागज की टोपी भेंट करेंगे और फिर उसे रंग नहीं लगेगा। कागजी दोस्त। घर के मरम्मत के लिए कागज की टोपी, अखबार लें और उसे बीच से मोड़ें। इस प्रकार से अब
कागज के ऊपरी भाग को कोने से केंद्र की ओर ले जाकर मुड़ें। शाबाश, नीचे के बाकी बचे कागज को किनारों को दबाते हुए केंद्र की ओर मुड़ें और देखो बड़ा सा त्रिकोण बन गया। अब इसे थोड़ा सा खोलकर मोड़ो तो चौकोर बन गया। अब मध्य से निचले दोनों कोनों को मोड़ो, एक बार फिर से त्रिकोण बन गया, है ना बढ़िया? देखो, और अब इसे खोलो तो मरम्मत के लिए कागज की टोपी तैयार है। चलो शेर सिंह को हम ये उपहार भेंट कराएं। यूं टुक टुक। दोनों दोस्त अपना ये उपहार शेर सिंह के घर ले गए। जल्द ही खुद शेर सिंह उनके घर आया। उस पे रंग के कोई धब्बे नहीं थे। उसने टोपी के लिए उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। जैसे ही उस पर रंग के धब्बे लगने बंद हो गए, जल्दी उसने घर की मरम्मत का काम खत्म कर लिया और अब उसने अपने दोस्तों को गृह प्रवेश पर आमंत्रित किया। दोनों दोस्तों ने खूब धूमधाम से गृह प्रवेश मनाया। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।